नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी यानी कि रेलवे के द्वारा जो है एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है और उसके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चे जो है इंटर लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे थे, जो प्लस टू लेवल के बच्चे थे, वो अपने नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आरआरबी रेलवे के द्वारा जो है इंटर ग्रेजुएट लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट का नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ किया जा चुका है। कल रात को ये नोटिफिकेशन आ चुका है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टेप जो है आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और बिना किसी गलती के जो है आप अपना फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बिना गलती के आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि क्या है कि अगर आप छोटी सी भी अगर गलती कर देते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो सपना है रेलवे के लगने का वो कम इनकम्प्लीट रह सकता है। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है, टोटल 3445 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपको पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, 21 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 20 अक्टूबर रखी गई है। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है आरआरबी रेलवे की। सबसे पहले आप अप्लाई के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने जो कभी भी रेलवे आरआरबी का फॉर्म भरा है, जैसे कि एएलपी का, ग्रुप डी का, या फिर 2019 की भर्ती का एनटीपीसी का, या कोई भी आपने एनटीपीसी का रेलवे का फॉर्म भरा है, तो आप सीधा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। या फिर आप ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार आरआरबी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज जो है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी और डिटेल देने के बाद यहाँ पे आप अपना जो ईमेल आईडी है वो डालेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया था, और यहाँ पे जो है आप अपना कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है लॉगिन कर देंगे, और लॉगिन करते ही जो है ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो ये भर्ती के नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखा देगा करंट टाइम के। यहाँ पे देख लेना क्लोजिंग डेट ये ग्रेजुएशन लेवल की है, सीएन नंबर 5/2024। इसकी ओपनिंग डेट 14 सितंबर को ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिएगा जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं सीएन नंबर 6/2024 यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, यहाँ पे हम भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपना आरआरबी सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस आरआरबी से जो है आप अपना फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो आरआरबी आप सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट विंडो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो है डाटा सेव हुआ मिलेगा, क्योंकि जो है हमने पहले इन फ्यूचर में जो है पहले कभी भी आरआरबी का फॉर्म भरा था, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अगर आप जो है फॉर्म डालेंगे तो आपकी जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो पहले से ही फैच हो जाएगी इस डेटा के अंदर, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे कंट्री में आपको इंडिया डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहाँ पे आपका नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पे फादर्स नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है जेंडर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा डालना जो करंट टाइम में जो है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो इन फ्यूचर में आपसे कम्युनिकेट करेगा आरआरबी रेलवे वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पर आपको अपना मेरिटेरियल स्टेटस डालना है, अगर आप अनमेरिड है तो अनमेरिड डालेंगे, अदरवाइज मैरिड डालेंगे। यहाँ पे अगर आपका हिंदू धर्म है तो हिंदू डालेंगे, अदरवाइज जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो धर्म डालेंगे। मदर टंग आपको ये डालनी है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो दी गई है, यहाँ पे आप मदर टंग डालेंगे। उसके बाद चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है चॉइस ऑफ लैंग्वेज की बात की गई है, तो आप अपनी जो लैंग्वेज है वो चॉइस कर सकते हैं। तो देख लेना आपकी लैंग्वेज कौन सी है, उस सेलेक्ट भाषा को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कट का निशान जो है वो देना है, आपकी बॉडी पे कहीं पर भी कट का निशान हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और यहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी को सेलेक्ट करेंगे, यूआर है, जर्नल है तो जर्नल कम्युनिटी को सेलेक्ट करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कम्युनिटी से आप हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देन आप आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है परमानेंट एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको स्टेट में आपका स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूरा डालना है, जो भी आपका हाउस नंबर है या फिर
है, उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी का डालना है और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है और यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करके आप सेव करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है ये डाटा भी आपका फैच मिलेगा, क्योंकि जो आपने पहले फॉर्म डाला था उसी की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कलेक्ट कर ली जाएगी। तो यहाँ पे देख लेना, एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबल्ड PWD जो कैंडिडेट होते हैं अगर आप हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे एक आगे डू यू नीड ए सक्राइब, ये PWD वाले बच्चों के लिए है, अगर आप हैं तो यहाँ पे सक्राइब आपको चाहिए तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, तो अगर हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। EBC के अंदर वो आते हैं जिनकी सैलरी 50,000 या फिर सालाना इससे कम होती है, तो वो EBC के अंदर आते हैं, तो अगर आप हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम डायरेक्ट आगे चलते हैं, आर यू एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवे, क्या आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे के अंदर, अगर हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे आपको जो है करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है तो सेंटर में आप काम करते हैं तो सेंटर गवर्नमेंट देना है, स्टेट के अंदर काम करते हैं तो स्टेट का देना है, या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर देते हैं तो PSU का यहाँ पे देना है, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपनी बैंक डिटेल देनी है, बैंक डिटेल आपको देने के, बैंक डिटेल मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, अदरवाइज वीडियो जो है वो उस पर कॉपीराइट आ सकता है। बैंक डिटेल की बात करें तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, वो बैंक डिटेल इसलिए मांगी जा रही है ताकि जो भी आप फॉर्म डालेंगे CBT का वन का एग्ज़ाम जो आप देके आएंगे, CBT 1 का एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिफंड दिया जाएगा 400 रुपये, वो उसी बैंक अकाउंट के अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी ही बैंक की डिटेल जाननी है ताकि आप अगर साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो अगर साइबर कैफ़े वाला यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डाल देगा तो 400 रुपये रिफंड उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, और CBT 1 जो है 6 महीने या 1 साल के बाद जब भी होएगा तो उसके बाद आप भूल जाएंगे कि क्या अकाउंट नंबर डाला था। इसीलिए जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे सब आपको अपना डालना है, बैंक डिटेल सारी अपनी डाल देना। उसके बाद जो है सेव करके यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन करनी है, यहाँ पे आपको 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट करके जो है ये कर देना है, तो यहाँ पे आपको जो है अपनी डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आइए हम इसकी जो है डिटेल यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है अपनी फ़िल कर दी है, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की जो है PDF हमने डाल दी है, 10वीं की PDF आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे 500 KB तक का PDF आप डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे +2 की भी हमने डाल दी है, नंबर और परसेंटेज और जो PDF है वो अपलोड कर दी है। साथ में अगर आप वहाँ पे बैचलर डिग्री देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस भर्ती के लिए जो है +2 जो क्लास है वो ही मांगी गई है। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ़ोटो और सिग्नेचर आपका मांगा जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नहीं दिखा सकता इसीलिए कॉपीराइट का जो है वो आ सकता है। इसीलिए नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, 2 ऑप्शन दिए होंगे आपको, एक तो फ़ोटो का ऑप्शन दिया होगा एक आपका जो है, और एक आपका जो है सिग्नेचर का दिया होगा। साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, 240 पिक्सल का आपका साइज़ होना चाहिए और जो है ये विड्थ आपकी 240 पिक्सल की होनी चाहिए, यहाँ पे साइड में इसका बताया भी गया है। और जो सिग्नेचर की मैं बात करूँ तो सेम रखा गया है, जो हाइट इसकी हाइट जो सिग्नेचर की होनी चाहिए वो 60 पिक्सल की होनी चाहिए और विड्थ 140 पिक्सल का होना चाहिए। ऐसे ही जो है हम बात करें इसकी तो यहाँ पे फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 320 पिक्सल जो है हाइट होनी चाहिए और 240 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए। इन दोनों को अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव करेंगे और नेक्स्ट करके जो है नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ऐसे ही जो है आपका यहाँ पे जो है फॉर्म आधा कंप्लीट हो चुका है, या मान सकते हैं 80% जो आपका फॉर्म है ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 4 पोस्ट दी गई हैं, जिस पर 4 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो सीरियल नंबर 2 पे दी गई है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पोस्ट के अंदर जो है टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी, तो अगर आपको टाइपिंग आती है तो ही आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस को पहले भरिएगा अगर आप देना चाहते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि अगर आप सीखेंगे भी तो भी आपको जो है टाइपिंग नहीं आ सकती तो इस पोस्ट को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा। साथ में जो सीरियल नंबर 3 है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पोस्ट के अंदर भी जो है टाइपिंग टेस्ट आपकी होने वाली है, तो सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 इन दोनों पोस्टों के अंदर जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। उसके बाद कमर्शियल कम टिकट व क्लर्क और NR ट्रेन क्लर्क, तो इन दोनों पोस्टों के अंदर जो है आपकी टाइपिंग नहीं होगी, टाइपिंग जो होगी वो 2 और 3 नंबर के बीच में ही आपकी टाइपिंग होने वाली है। ऐसे ही मैं एक बार के लिए आपको दिखा
दिखा देता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। सबसे पहले जैसे कि आप कमर्शियल कम टिकट कलर को देना चाहते हैं तो इस पर प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गई है। उसके बाद आप जो है ट्रेंस कलर को देना चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस दूसरी तो इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पे आ गई। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे अकाउंट्स कलर को तीसरे नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फोर्थ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आपकी हो गई है। उसके बाद आप आई हैव एक्साइड एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इन सभी को जो है आप यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप प्लेस डालेंगे किस प्लेस से जो है आप फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हिसार डाल देता हूँ। अगर आप किसी और प्लेस से फॉर्म भर रहे हैं जैसे कि राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं तो यहाँ पे उस प्लेस का नाम डालेंगे और यहाँ पे डेट और सिग्नेचर आपका ऑटोमेटिकली उठा लेगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद तो अनचेक ये यहाँ रह गया। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे जो है आई हैव नॉट अंडरगो लैसिक सर्जरी तो ठीक है ये नहीं होएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और सेव करके जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। तो ये आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू एप्लीकेशन है ये आपका सारा यहाँ पे शो कर देगा कि कौन कौन सी डिटेल आपने एप्लीकेशन में दी है। इस फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि कोई गलती होने का चांस ना हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म आपने बिल्कुल करेक्ट भरा है तो इस फॉर्म को इस टिक मार्क को टिक मार्क कर दीजिएगा आई हैव रीचेकड द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। तो आपने इसका मतलब है कि आपने इस फॉर्म को दोबारा चेक कर लिया है और आपने कोई भी गलती नहीं पाई है। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो ये फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एडिट इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। अगर यहीं पर आपको लगता है कोई गलती मिस्टेक हुई है तो यहां पे इस एडिट पे बटन करके एडिट पे क्लिक करके आप जो है अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है सबमिट करके जो है यहां पे एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी कोरेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो ये बता रखा है सबमिट करने के बाद जो है कोई भी आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए ध्यान से इस सबमिट पर क्लिक करना। मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद जो ये फीस का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा तो यहाँ पे देख लेना 500 रुपये फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद 400 जो है वो रिफंड आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विद रेजर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है पे विद रेजर पे क्लिक करने के बाद जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे खोल देगा। UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, वीज़ा से करना चाहते हैं, रुपए से करना चाहते हैं, रेजर पे से, यहाँ पे देख लेना नेट बैंकिंग पे यूजिंग कार्ड, तो किसी भी ऑप्शन से जो आप क्लिक करके नेट बैंकिंग कार्ड UPI QR कार्ड किसी से भी जो है आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप पे नाउ पे क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं और पे नाउ होने के बाद सक्सेसफुली जो है आप अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी में रख कर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट का ये मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि फ्यूचर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NTPC रिलेटेड करवाए जाएंगे या करंट अफेयर करवाया जाएगा, जितना भी मैटर NTPC का करवाया जाएगा वो सारा बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।